शरद ऋतु के आकाश में बादल नदी के तट पर कष्टंडी का सांबर लहराता झूला। धरणी रानी हरे अनाज में उन्नत नदी का कांच जैसा साफ पानी दिखता है। ओडिशा बाणपुर का शक्तिपीठ अनूठा परंपरा। शरद ऋतु के आकाश में बादल नदी के तट पर कष्टंडी का सांभर लहराता झूला। धरणी रानी हरे अनाज में उन्नत नदी का कांच जैसा पानी साफ दिखता। बगला बुगली का चेहरा साफ दिखता। गदिया में स्विमिंग पूल में नीले फिरोज पौधों को देखा। देवी भगवती आस्था की देवी, उसके आधार पर कितने उपासक कितने लोग बोलते हैं, शास्त्रों में कितने मिथक वर्णित है, कितने सिद्धांत तो उस पर आधारित है। सभी में अद्वितीय इस देवी पाठ का शारदीय महोत्सव अनोखे ढंग से मनाया जाता है। वैसे तो यह त्योहार पूरे भारत में साल के सभी देवी देवताओं में मनाया जाता है, लेकिन इसमें दुर्गा पूजा बिल्कुल अलग है। यहाँ माँ की पूजा बन दुर्गा मंत्र से करने का विधान है, क्योंकि उनकी नीति कांति वेशभूषा पूर्णतः आदिम जनयति द्वारा डिजाइन की गई प्रतीत होती है। जबकि अन्य पीठों में माता की चलती हुई छवि एक पुरुष मूर्ति है, जबकि माँ भगवती की चलती हुई छवि एक स्तंभकार आकृति है जिसे स्तंभस्वरी के रूप में डिजाइन किया गया है। शारदीय उत्सव की शुरुआत से ही माँ अयाल के नृत्य और उत्सव मंडप तक जाने का दृश्य अन्य मंदिरों में देखने को नहीं मिलता। विभिन्न रंगों के कपड़े, मालाएं और घंटियों के आभूषण पहनने की शैली देखकर भक्त का दिल भर जाता है। निष्ठा से भक्ति के भाव से मस्तक हिलोरे लेता है। शरद ऋतु की शुरुआत में शारदीय त्योहार इस समय पूरा पुरपल्ली शहर मातृ शक्ति के वस्त्र में दिशा से मात्र वंदन मंत्र के जाप से नृत्य करता है कि सामूहिक आवाज। इस अवसर पर बाणपुर के बड़े तालाब में देवी नृत्य किया जाता है, मानो सुम्ब निसुम्ब महिषा जैसे राक्षसों का संहार करने वाली मैं शुंभ हो। घंटियों कहली वाग्यंत्रों की थाप पर माँ का नृत्य असंख्य भक्तों की भीड़ के संध्या उत्सव को अत्यंत भावपूर्ण बना देता है। मंदिर चंडी के उपासक बामन चरण दास के अनुसार आश्विन कृष्ण ओथमी से लेकर महालया अमावस्या तक हर शाम इस तरह की पूजा इस मंदिर की एक अनूठी परंपरा है। यहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए पूरी जिला की पंडित बामन चरण दास को निमंत्रित किया गया है।